मतगणना से पहले जान लीजिए क्या होगा यदि दो उम्मीदवारों को मिले एकदम बराबर वोट। इन दिनों देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। हाल ही में पांचों राज्यों में वोटिंग संपन्न हुई है। ये पांच राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना हैं। इनमें से मिजोरम में 7 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में 7 व 17 नवंबर को, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में 25 नवंबर को और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान हुआ है। मतदान के बाद अब सभी को इंतजार है 3 दिसंबर का, क्योंकि 3 दिसंबर की वो तारीख है जब इन सभी राज्यों में मतगणना की जाएगी। इस दिन जीत हार का फैसला होगा। लेकिन मतगणना के दौरान सभी के दिमाग में एक सवाल जरूर आता है और वो ये है कि क्या होगा यदि दो उम्मीदवारों को एकदम बराबर वोट मिले। ऐसे में जीत हार का फैसला किस आधार पर किया जाएगा, आइए इस समस्या का हल जानते हैं। हम आपको बताएंगे कि निर्वाचन आयोग इस बारे में क्या कहता है। दरअसल अगर बराबर वोट दोनों प्रत्याशियों को मिलता है तो उसका फैसला लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। जिस प्रत्याशी के पक्ष में लॉटरी आ जाती है उसे एक अतिरिक्त वोट मिला हुआ मान लिया जाता है और उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक अगर मतगणना के दौरान दो प्रत्याशियों को एक समान वोट मिल जाता है तो बराबर वोट मिलने पर लॉटरी एक ऐसा विकल्प होगा जिससे विजेता घोषित किया जाएगा। ये अधिकार वहाँ मौजूद निर्वाचन अधिकारी के पास होगा। लॉटरी होने के बाद निर्वाचन अधिकारी ही रिजल्ट की घोषणा करेंगे। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव में जीते प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे और जिला गजट में प्रकाशित करने का आदेश देंगे। साथ ही इसकी एक प्रति राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज निदेशक को भी दी जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रत्याशी या उसका एजेंट मतगणना पर सवाल खड़े करने लगता है, पक्षपात का आरोप लगाता है और दोबारा वोट गिनने की मांग करता है। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो उसके लिए भी चुनाव आयोग ने बकायदा नियम बनाए हुए हैं। इसके लिए सवाल उठाने वाले से एक लिखित आवेदन मांगा जाएगा। लिखित आवेदन लेने के बाद दोबारा वोट गिनने के लिए कुछ आधार भी मांगा जाएगा। इस आवेदन को निर्वाचित अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को दिया जाएगा, तभी दोबारा मतगणना हो सकेगी।